बेड पर ज्यादा समय तक टिकने की एक टिप मैं आपको बताने वाला हूँ आज। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 30% लोग, 30% लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है और उसमें से 8 या 9% लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं, बाकी लोग जाते भी नहीं है। उनको ये पता भी नहीं है कि ऐसी कुछ दवाइयां हैं या ऐसी कुछ ट्रीटमेंट है जिसके वजह से वो बेड पर लंबा टिक सके, अपने वाइफ को सेटिस्फाई कर सके, खुद को सेटिस्फाई कर सके, पता ही नहीं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसे लंबा टिक सकते हैं। अभी देखिए, ये स्पेशली वीडियो जो वो लोगों के लिए है जो लोगों की अभी शादी होना बाकी है, शादी होने की बाकी है, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के साथ में बीच बीच में महीने में एक आधी बार संपर्क आता है और भी बोलते हैं कि उस समय क्या करना। एक आधी बार मिल लेते हैं तो नेचुरली क्या होता है कि जब गैप एक एक महीने का है, बहुत एक्साइटमेंट है, तो नेचुरली जल्दी डिस्चार्ज होना ही होना है। तो उसमें एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ, वो ऐसी है कि मास्टरबेट करना है, घर में मास्टरबेशन करने की प्रैक्टिस करना है। और वो मास्टरबेशन करने की जो प्रैक्टिस आप करेंगे उसमें आप 10 से 15 मिनट तक कैसा टिक सकेंगे उसकी प्रैक्टिस करना। मतलब ऐसा कि मास्टरबेट कर रहे हो, हस्त मैथुन कर रहे हो, मुट्ठी मार रहे हैं और वो ऐसा क्लाइमेक्स जब आता है उसके पहले का पॉइंट आपको पकड़ते आना चाहिए। उसके पहले का पॉइंट पकड़ो, वो समय पे रोक दो मास्टरबेशन। उस समय जो सामने वाला जो ग्लांस पेनिस है, मतलब सुपारी जैसा जो है एरिया, उसके पीछे एक गड्ढा रहता है, उसको इस तरह से दबाओ, अंगूठा नीचे, दो उंगलियां ऊपर, उसको प्रेस करो, ढीला करो। उससे क्या होगा कि उसमें की मस्ती, उसमें का एक्साइटमेंट निकल जाएगा। ये मास्टरबेशन करने के समय करना है। फिर कुछ समय बाद में फिर इमेजिन करो, मसाज करो, फिर इरेक्शन आएगा, फिर हस्तमैथुन करते रहो। जैसे ही वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है उसके पहले रोक देने का है और उसको एक्सटेंड करना है, टाइम को दबाने का है, ढीला करने का है, फिर इरेक्शन, मतलब ऐसी मास्टरबेशन की प्रैक्टिस करनी है और डिलेड इजैकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है मास्टरबेशन के समय, ताकि आपके पेनिस को उसकी आदत हो जाएगी, आपका ब्रेन उस तरह का ट्रेन हो जाएगा कि भाई डिस्चार्ज होने के पहले आप खुद को रोक पा रहे, वो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, उस समय आप प्रेस कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं, ताकि जब आप एक्चुअली करने के लिए जाएंगे तब आप ज़्यादा टिक सकेंगे। और वैसे ही जब आप बहुत बड़े गैप के बाद में सेक्स करते हो तो जल्दी होना स्वाभाविक है, तो उस समय ऐसा भी कर सकते हैं कि 3-4 घंटे पहले आप मास्टरबेशन कर लो, हस्तमैथुन कर लो, ताकि आपकी मस्ती कम हो जाएगी, एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। बाद में फिर दवाइयाँ खाओ, सिल्डेनाफिल, टेराफिल जैसी दवाइयाँ खाओ, ताकि उससे इरेक्शन हो जाएगा और आप ज़्यादा समय तक टिक सकेंगे। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए जरूर हमारी वीडियो देखिएगा, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करो। यदि आपको कुछ दवाइयाँ चाहिए तो हमारे डॉक्टर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे और वो मेरे से बात करके फिर आपको यहाँ से दवाइयाँ रवाना करेंगे और आपको काउंसिलिंग भी करेंगे। तो नीचे लिंक दी हुई है, उसके ऊपर आपने क्लिक करके हमारे केळकर हॉस्पिटल के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।